मनमानी और आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर निलंबित की गई सनावत प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 3 की शिक्षिका रानी जाधव के समर्थन में मंगलवार को विद्यार्थी और पालक मुख्यालय पहुंच गए। यहां मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंप कर शिक्षिका के खिलाफ की गई शिकायत को गलत बताते हुए उन्हें निलंबन को वापस लेने की मांग की। पालकों और विद्यार्थियों ने बताया कि मैडम का व्यवहार बच्चों सहित पालकों के साथ अच्छा है। वह नियमित रूप से मोबाइल के माध्यम से पालकों से जुड़ी रहती है। मैडम के द्वारा बच्चों के समग्र आईडी, आधार अपडेट सहित अन्य दस्तावेजी काम कराने में हमेशा मदद की जाती है। उनका निलंबन निरस्त कर दोबारा स्कूल में पदस्थ किया जाए। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मैडम जी को क्या हाथ करके क्या कितने निकाल दिया था बाहर। हमको पढ़ने में दिक्कत आ रही। मैडम का अच्छा पढ़ाते थे? हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अब क्या चाहते आप? हमारी मैडम को वापस लाना। क्या नाम है तुम्हारा? सनी। क्या मामला है? ये मैडम के बारे में आई। क्या हुआ था? हाँ बच्चों ने स्कूल जाते तो मैडम को कई बारे में सस्पेक्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि मैडम को वापस लाए। और हमारे बच्चे नहीं बोलते स्कूल जाने के लिए, मैडम आएगी जब जाएंगे। बच्चा ऐसा? हाँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी भाई। कि हम सनावत से आए हैं, संजय नगर वार्ड क्रमांक 16 सनावत एजुकेशन कॉलोनी में। रानी मैडम 20 से 25 साल हो चुके हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो ईमानदार है और बहुत बढ़िया है, सब घर जैसे संबंध परिवार है। लेकिन किसी ने उनकी शिकायत करी, किसी भी कारण से करी, झूठी शिकायत करी, उनको निम्बित किया गया है। उन्हें वापस पूर्ण रूप से उनको ड्यूटी पे रखा जाए। साहब ये कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते हैं पहली से लेके चौथी तक, तीसरी चौथी तक की पढ़ाते हैं। क्या कारण क्या रहा? किसी कारण का पता नहीं चला। कोई भी कोई पत्रकार था, उनकी कोई माथापोड़ी होने के कारण ये ऐसा झूठी शिकायत करी और उनको किया गया है। आप वहाँ पे उनको ड्यूटी पे चढ़ाया जाए वापस। कितने साल से ड्यूटी कर रहे थे? ये ड्यूटी करीब 25 साल के आसपास हो गया। एक बदली होना वो साथ बहुत बात ठीक है, लेकिन उनको ड्यूटी निवृत्त जो किया गया है वो अच्छी बात नहीं है। आप मांग करिए। आप हमने इनकी मांग करी है कि इनको वापस ड्यूटी पे रखा जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चले, इनके बच्चों को पालन पोषण करे। राधे श्याम देसाई, पूर्व पार्षद। सर वार्ड नंबर 16 से, सभी 16 के वासी हैं, वार्ड नंबर 16 के संजय नगर के। तो हम रानी मैडम जादव हमारे बच्चों को जो पढ़ाती हैं वहाँ, उनको निलंबित किया गया है झूठी शिकायत पे। तो हम मुझे आपसे और कलेक्टर जी से यही निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और उन्हें पुनः स्कूल में रखा जाए। अचानक कारण क्या रहा? अचानक कारण था उनको निलंबित किया गया है किसी व्यक्ति ने झूठी शिकायत के कारण। तो हम वहाँ के 20-22 साल से मैडम को जानते हैं, हमारे पास में अभी तक हम पालकों के पास में कोई शिकायत नहीं आई थी उनकी। इसलिए निवेदन है कि उन्हें पुनः वापस रखा जाए। क्या नाम है आपका? धन सिंह चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।